तो गाइस आज है हमारे पास Vivo Y100 5G स्मार्टफोन और आज मैं आपको इसी के अमेजिंग और हिडन फीचर्स बताने वाली हूँ, जैसे कि आप व्हाट्सएप के डिलीट मैसेज को कैसे पढ़ सकते हैं और अगर आपका फोन चोरी वगैरह हो गया तो आप उसे कैसे फाइंड कर सकते हैं। आपको इस फोन में एक डेडिकेटेड फीचर्स मिल जाता है जिससे आप अपने फोन को बहुत ही जल्दी फाइंड कर पाएंगे। और आप जैसे कि किसी से फेसबुक या फिर व्हाट्सएप में वीडियो कॉलिंग कर रहे हैं तो आप फेस वीडियो को कैसे इनेबल कर सकते हैं जिससे आपका फेस और भी अच्छा दिखेगा वीडियो कॉलिंग में, ये सभी फीचर्स मैं आगे आपको वीडियो में बताने वाली हूँ। और ये फीचर्स वाला पार्ट 2 है, अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगी, आप वहाँ से जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को कर लेते हैं शुरू, बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा नाम भी जान लीजिए। तो मेरा नाम है रोशनी और आप सभी का टैग फॉर रोशनी में स्वागत है। तो चलिए फर्स्ट फीचर्स की बात कर लेते हैं। तो इसके लिए आपको सेटिंग में आना है, डायनेमिक इफेक्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको इनबिल्ट लाइट इफेक्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को ऑन कर देना है, स्क्रीन डिस्प्ले को भी ऑन कर देना है और कस्टमाइज टाइम को आप ऑफ भी कर सकते हैं। नीचे आपको लाइट इफेक्ट फॉर इनकमिंग कॉल के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। आपको यहाँ पर बहुत सारे कॉल के इफेक्ट वगैरह देखने के लिए मिल रहे हैं, मतलब आपके कोई भी कॉल वगैरह आएगी तो आपका फोन कुछ इस टाइप से देखने के लिए मिलेगा। आपको यहाँ पर जो भी लाइटिंग वगैरह पसंद है आप यहाँ से उन्हें अप्लाई कर सकते हैं, तो आपकी कॉल वगैरह आएंगी तो आपका फोन में कुछ इस टाइप से लाइट ब्लिंक करने वाली है। अब अगले फीचर्स की बात कर लेते हैं। तो इसके लिए आपको बैक आना है और यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन ऐप के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको लाइट इफेक्ट फॉर नोटिफिकेशन मिल जाता है, तो यहाँ पर क्लिक कर लेना है। अब आप यहाँ पर जो भी लाइट वगैरह चूज करेंगे आपको यहाँ पर इतनी सारी लाइट वगैरह देखने के लिए मिल जाती है, तो आप इनमें से किसी भी इफेक्ट को चूज कर सकते हैं जो भी आपको पसंद हो, फिर सिंपली इसे अप्लाई कर देना है। अब आपके पास कोई भी ऐप से नोटिफिकेशन वगैरह आएंगी ना तो आपके फोन में इस टाइप से लाइट ब्लिंक करेंगी, जैसे कि एज लाइट ब्लिंक करती है ना, ऐसे ही आपके फोन में ये लाइट ब्लिंक करने वाली है। तो आपको जो भी पसंद हो आप यहाँ से उन्हें सेट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट फीचर्स की बात कर लेते हैं। तो ये भी ना काफी ज्यादा कमाल का फीचर है। आप तो इसके लिए आपको बैक आना है, फिंगरप्रिंट आइकन एनिमेशन के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। आपको यहाँ पर बहुत सारे एनिमेशन वगैरह देखने के लिए मिल जाते हैं, तो आपको जो भी पसंद हो आप उन्हें यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। आप अपने फोन को फिंगरप्रिंट से अनलॉक करते हैं ना तो आपको उसके भी एनिमेशन देखने के लिए मिल जाते हैं, तो आपको जो भी एनिमेशन पसंद हो आप यहाँ से उन्हें अप्लाई कर देना, फिर आप फोन को अनलॉक करेंगे ना तो वही एनिमेशन आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। अब अगले फीचर्स के लिए आपको बैक आना है। यहाँ पर आपको फिंगरप्रिंट रिकॉर्डमेंटेशन एनिमेशन के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब आप फिंगरप्रिंट से फोन को जैसे ही अनलॉक करते हैं ना तो आपको एक एनिमेशन देखने के लिए मिलता है, तो आप उस एनिमेशन को भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। आपको जो भी एनिमेशन पसंद हो सिंपली आपको यहाँ से उन्हें सिलेक्ट कर लेना है और फिर अप्लाई कर देना है, तो एनिमेशन वगैरह भी चेंज हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट फीचर्स की। तो इसके लिए भी आपको बैक आना है। यहाँ पर आपको फेस रिकॉर्डमेंटेशन एनिमेशन के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अभी आप फोन में देखेंगे तो आपको ये ताला जैसे देखने के लिए मिल रहा है, बट आप इसके स्टाइल को भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आपको इतने सारे स्टाइल देखने के लिए मिल जाते हैं, तो आपको जो भी पसंद हो आप यहाँ से उन्हें अप्लाई कर देना। आप अपने फोन को फेस लॉक से अनलॉक करते हैं ना तो आप उसके स्टाइल यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट फीचर्स की बात कर लेते हैं। तो इसके लिए भी आपको बैक आना है। यहाँ पर आपको चार्जिंग एनिमेशन के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे कि आप फोन वगैरह को चार्ज करेंगे ना तो चार्जिंग के समय एनिमेशन देखने के लिए मिलेंगे, तो आपको यहाँ पर इतने सारे एनिमेशन वगैरह मिल जाते हैं, तो जो भी आपको एनिमेशन पसंद हो आप यहाँ से उन्हें अप्लाई कर सकते हैं। अब नेक्स्ट फीचर्स के लिए आपको सेटिंग में आना है। यहाँ पर आपको साउंड एंड वाइब्रेशन के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाता है वाइब्रेशन फॉर कॉल का, तो आपको इसे ऑलवेज पर क्लिक कर देना है। अब आपके पास कोई भी कॉल वगैरह आती है ना तो आपका फोन वाइब्रेट होने वाला है। अब अगली फीचर्स की बात करने के लिए आपको बैक आना है। यहीं पर आपको स्क्रीन टाइम का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है, तो आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। आप यहाँ से देख सकते हैं कि आपने फोन को अभी कितने टाइम तक यूज किया है और कितने बार नोटिफिकेशन वगैरह आई है, कितने बार फोन को लॉक किया है, अनलॉक किया है, और नीचे आपको ऐप वगैरह देखने के लिए मिल जाते हैं, तो आप यहाँ से उनमें टाइमिंग भी सेट कर सकते हैं कि जैसे इस ऐप को आपको 1 घंटे तक चलाना है, तो आपको यहाँ पर उन्हें सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ से उनको टाइमिंग वगैरह को सेट कर देना है। 1 घंटे चलाना चाहते हैं आप या फिर 1.5 घंटे चलाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर उन्हें, फिर आप एक दिन में उस एप्लीकेशन को उतने ही टाइम तक आप चला पाएंगे जितना टाइम आपने यहाँ पर सेट करके रखा है। अब अगले फीचर्स की बात करने के लिए आपको बैक आना है। सेटिंग पर आकर आपको ऐप के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको ऐप क्लोन के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ पर बहुत सारे ऐप देखने के लिए मिल जाते हैं, तो आप इन ऐप के डुप्लीकेट ऐप भी बना सकते हैं। जैसे कि हम अभी फेसबुक को ऑन कर देंगे तो आप होम स्क्रीन पर आकर
देखेंगे तो यहाँ पर हमें दो दो फेसबुक देखने के लिए मिल गए हैं। अब अगले फीचर्स की बात करने के लिए आपको सेटिंग में आना है। सेटिंग में आने के बाद आपको यहाँ पर सिक्योरिटी के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाता है फाइंड माई डिवाइस का, तो आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। यहाँ से आपको इसे ऑन कर लेना है। ऑन करने से क्या होगा गाइस कि आपका फोन कभी भी चोरी वगैरह हो जाता है तो उसे फाइंड करने में आपको बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी। आप ट्रैकिंग वगैरह करेंगे तो उसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम देखने के लिए नहीं मिलेगी अगर आप इस ऑप्शन को ऑन कर देते हैं तो। अब अगले फीचर्स की बात करने के लिए आपको सेटिंग में आना है। यहीं पर आपको नीचे शॉर्टकट एंड एक्सेसिबिलिटी के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है स्मार्ट मोशन का, तो आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। नीचे आपको एक ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है सेट टू टर्न ऑन द फ्लैश लाइट का, तो आपको इसे ऑन कर लेना है। ऑन करने से क्या होगा गाइस कि आप होम स्क्रीन पर रहेंगे। होम स्क्रीन पर रहने पर आप फोन को कुछ इस टाइप से दो बार हिलाएंगे ना तो फ्लैश लाइट ऑटोमेटिक ही ऑन हो जाएगी। अब अगले फीचर्स की बात करने के लिए आपको यहीं पर स्मार्ट वे के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। यहाँ से आपको इन दोनों ऑप्शन को ऑन कर लेना है। अब ऑन करने से क्या होगा कि आपका फोन बंद रहेगा और आप ऐसे लॉन्ग स्वाइप करेंगे ना तो फोन ऑटोमेटिक ही अनलॉक हो जाता है और अगर आप स्वाइप डाउन करेंगे तो कैमरा ओपन हो जाएगा। अब अगले फीचर्स की बात करने के लिए आपको बैक आना है और यहीं पर आपको ऊपर स्मार्ट स्क्रीन ऑन ऑफ का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है, तो आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको राइज टू बैक के ऑप्शन को इनेबल कर लेना है। इनेबल करने से क्या होगा गाइस कि आपका फोन कहीं पर रखा है और आप जैसे ही फोन को अपने हाथ पर लेंगे तो फोन ऑटोमेटिक ही ऑन हो जाता है और अगर आपका फोन जेब में रखा है तो जेब से निकालेंगे तो भी फोन ऑटोमेटिक ही ऑन हो जाएगा। यहीं पर नीचे आपको डबल टैप टू बैक का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है, आपको इसे भी इनेबल कर लेना है। इनेबल करने से क्या होगा कि आपका फोन जैसे कि बंद है और आप स्क्रीन पर डबल बार टैप करेंगे ना तो फोन ऑटोमेटिक ही ऑन हो जाएगा। और नीचे आपको डबल टैप टू टर्न ऑन का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है, तो आपको इसे भी इनेबल कर लेना है। इसे इनेबल करने से क्या होगा गाइस कि आप फोन पे स्क्रीन पर दो बार टैप करेंगे, कहीं भी आप डबल बार टैप करेंगे तो फोन आपका ऑटोमेटिक ही बंद हो जाता है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट फीचर्स की, तो इसके लिए आपको सेटिंग में आना है। सेटिंग में आने के बाद आपको शॉर्टकट एंड एक्सेसिबिलिटी के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है क्विक लॉन्च का, तो आपको इसे यहाँ से ऑन कर लेना है, अग्री वगैरह कर देना है। ऑन करने से क्या होगा गाइस कि आपका फोन बंद रहेगा और आप पावर माइनस बटन को लॉन्ग प्रेस करेंगे तो फ्लैश लाइट ऑटोमेटिक ही चालू हो जाएगी और आप अगर और किसी में करना चाहते हैं तो और दूसरे ऐप वगैरह को भी ओपन करना चाहते हैं तो आप यहाँ से उन्हें कस्टमाइज वगैरह भी कर सकते हैं। आपको नीचे ओपन ऐप का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है, आपको जिस ऐप को भी ओपन करवाना है आपको यहाँ से उसे सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि हमने यूट्यूब को सिलेक्ट कर लिया है, अब आपका फोन बंद रहेगा और आप वॉल्यूम माइनस बटन को लॉन्ग प्रेस कर रखेंगे तो यूट्यूब ऑटोमेटिक ही ओपन हो जाएगा। अब अगले फीचर्स की बात करने के लिए आपको सेटिंग में ही आना है। शॉर्टकट एंड एक्सेसिबिलिटी के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर नीचे आपको एक ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है इजी टच का, तो आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है और इसे ऑन कर लेना है। ऑन करने के बाद आपको एक छोटी सी बॉल देखने के लिए मिल जाएगी, तो आप इस बॉल पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर बहुत सारे फीचर्स देखने के लिए मिल जाते हैं। जैसे कि आप यहीं से स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हैं, कैलकुलेटर को भी यहीं से ओपन कर सकते हैं, अगर आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग करना है तो वो भी आप यहीं से कर सकते हैं, फ्लैश लाइट को ऑन कर सकते हैं, कुछ भी चीज को आपको सर्च वगैरह करना है तो आप यहीं से कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि और भी एप्लीकेशन आप इस पे इनेबल कर सके तो आपको यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर आपको बहुत सारी एप्लीकेशन देखने के लिए मिल जाती है। जो भी आपको यहाँ पर ऐड करना है तो प्लस के निशान पर क्लिक करके आप उन्हें ऐड भी कर सकते हैं। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि आपने जो भी एप्लीकेशन यहाँ पर ऐड करी है वो आपको देखने के लिए मिल जाएगी और आप इसके स्टाइल को भी चेंज कर सकते हैं। उसे चेंज करने के लिए आपको पर्सनलाइजेशन स्टाइल के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको बहुत सारी स्टाइल देखने के लिए मिल जाती हैं। आपको जो भी स्टाइल पसंद हो आप यहाँ से क्लिक करके उन्हें अप्लाई कर सकते हैं। सो गाइस अभी वीडियो बहुत ज्यादा लॉन्ग हो रहा है तो आगे के फीचर्स मैं आपको नेक्स्ट पार्ट पर बताऊंगी, तो मेक श्योर आप नेक्स्ट पार्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। और हाँ, वीडियो अगर आपको पसंद आई तो फिर वीडियो को लाइक कर देना और आपकी थोड़ी सी भी हेल्प हुई तो प्लीज यह चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल का नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना। अब हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट ऐसी वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।